होने की बात पर उनके द्वारा एक चरपहिया वाहन को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। कावड़ियों से वार्ता किया गया, वार्ता क्रम में कहीं भी कावड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। योगी सरकार ने कावर रूट में पड़ने वाले सभी दुकानों, होटलों और रेडी ठेलों वालों के लिए एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि कावर रूट में पड़ने वाले सभी दुकानों, ठेले वालों को अपने नाम और प्रोप्राइटर का नाम, दुकान पर काम कर रहे कर्मचारी का नाम होना जरूरी है। ऐसा हुआ भी, सभी ने अपने अपने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाए। आदेश में कहा गया कि नाम लिखे होने से कावड़ यात्री जान सकेंगे कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे। इस पूरे मामले पर सरकार का तर्क है कि कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है, घटना मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने होती है, लेकिन पुलिस वाले कोशिश करते ही रह जाते हैं। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। दरअसल खबर यह है कि मुजफ्फरनगर कावड़िये ने कार सवार को पुलिस के सामने पीटती रही कार को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। नरेंद्र प्रताप लिखते हैं, मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने कल रात तांडव किया, कार तोड़ी, मदद के लिए भागे कार सवारों को ढाबे से खींच कर मारा, पैरों से कुचला, यह सब हुआ पुलिस की आंखों के सामने। नेम प्लेट लगवाने वाले पुलिस कानून हाथ में लेने वालों पर मेहरबान। इस घटना में कावड़ खंडित नहीं हुए। नरेंद्र प्रताप आगे लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर के सीओ सदर राजू कुमार बता रहे हैं कि कावड़ खंडित नहीं हुई। क्या पुलिस बताएगी कि जिन कावड़ियों ने पुलिस की आंखों के सामने बेगुनाहों की पिटाई की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वसीम अकरम त्यागे लिखते हैं कि पहले आप ये वीडियो देखिए। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि कार की साइड लगने से कावड़ खंडित हो गए। इसके बाद कावड़ियों ने कार सवारों को श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुसकर पीटा। पुलिस ने कहा कार की साइड लगने से कावड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने कार सवारों को श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुसकर पीटा। पुलिस की मौजूदगी में भी वो पीटते रहे, पूरी कार तोड़ डाली। डीएसपी ने कहा कार की साइड लगने से कावड़ खंडित होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। ममता त्रिपाठी लिखती हैं, अभिषेक सिंह जी, जो रायता फैलाए हैं आप, अब समेटना भारी पड़ रहा है। सरकारी आदेश के बहाने गुंडागर्दी की छूट मिल गई। गाड़ी छूने के नाम पर कावड़ियों ने मुजफ्फरनगर में फूड प्लाजा में घुसकर कार मालिक को पीटा, कार में तोड़फोड़ कर डाली। ये सब कुछ पुलिस के सामने और उनकी मौजूदगी में हुआ, जबकि पुलिस के अफसरों का कहना है कि कावड़ खंडित होने का कोई सबूत नहीं मिला। जाकिर अली त्यागे लिखते हैं कि कार को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते कावड़ी, कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर उसे जलाने की भी कोशिश की, ड्राइवर को बुरी तरह पीटा, उसने जान बचाने के लिए ढाबे में पनाह ली तो कावड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर उसे वहीं घुसकर पीटा। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि कार से उनका कावड़ क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि मामला यह बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ने भी कहा कि कावड़ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। मामला दरअसल ये है कि कावड़ियों और कार ड्राइवर के बीच कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद कावड़ियों ने बाइकों से पीछा करके कार को श्री लक्ष्मी प्लाजा पर जाकर रोका और फिर ये हाल कर दिया। फिलहाल ड्राइवर की स्थिति भी गंभीर बताई गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंडा। शुक्रिया।